हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो ये अभी आप बोर्ड देख रहे हैं आईएसपीसी कॉन का, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल तो हम अपने कॉलेज के लिए निकल गए हैं, ब्रेकफास्ट पैक कराया, और इस वीक हमारी कोई भी क्लिनिकल्स नहीं है, सिर्फ थियोरी क्लासेस चल रही हैं, प्रेजेंटेशन हो रही है। तो सीढ़ियों का प्रयोग करके हम पहुँच चुके हैं अपने क्लास में, वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया, और आज हमारी प्रेजेंटेशन है वो है फार्मा सब्जेक्ट की। तो अभी प्रेजेंटेशन चल रही है और फ्लैश कार्ड देखो, यूरिनरी ट्रैक कितना सुंदर बना हुआ है। वैसे ये जो फ्लैश कार्ड है वो किसी लड़के का है, इसीलिए इतना सुंदर है। तो हमारी भी प्रेजेंटेशन हो चुकी है, और उसके बाद हमने यहाँ पे छुट्टी ली। भाई बहुत लोचा होता है छुट्टी लेने के लिए, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि आज पेन मेडिसिन कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे हम चार लोगों को बुलाया गया है सिंगिंग के लिए, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम प्रैक्टिस के लिए जाते थे, मैम हमें बुलाती थी। और जो वहाँ का ड्रेस कोड है वो है पूरा वाइट कलर का पहन के जाना है हमको, एंड मल्टी कलर दुपट्टा। और ये मल्टी कलर दुपट्टा यार कितना ज़्यादा सुंदर लगता है। तो अटेंडेंस का बहुत ही लोचा होता है यहाँ पे, क्योंकि एक भी अटेंडेंस हम मिस नहीं कर सकते। हमें बुलाया गया था 11 बजे, बट अभी बच चुके हैं 12। हम बहुत ही लेट हो चुके हैं क्योंकि अटेंडेंस मिल ही नहीं रही थी। फिर सर ने प्रिंसिपल मैम को कॉल करके बोला, तब जाके हमें छुट्टी मिली। तो अभी हम कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं, और जहां पे कॉन्फ्रेंस होनी है वहां पे आपको मैं ले चलती हूं। वैसे हम लेट तो बहुत हो चुके हैं, 11 बजे के बदले अभी 12 बज गया है। अंदर ना जाने क्या होगा, कितनी डांट पड़ने वाली है। तो चलो अंदर चलते हैं। फ़िलहाल हम इधर पहुंच चुके, कितने सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है, जो पूरा KGMU का कैंपस दिखाई देता है। और वैसे यहाँ पे कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस हमेशा होती ही रहती है, इसके पहले माइक्रोबायोलॉजी की और फार्मालॉजी की, हमेशा यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंसेज है वो चलती रहती हैं। जैसे हम वहाँ पे पहुँचे, एंट्री की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैम ने सर से पहले ही बोल दिया था कि 4 बच्चों को एंट्री दिलानी है, और सर ने सबसे पहले बोला कि ब्रेकफास्ट करो वहाँ पे। तो हम भी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट को कैसे मना कर सकते हैं। तो एंट्री मिल गई हमें, देन हम बैक स्टेज पहुँच चुके हैं, और इतनी अच्छी वाली फीलिंग आती है ना, कि जहाँ पे लोगों को एंट्री नहीं मिल रही है वहाँ पे हमें स्पेशल एंट्री दिलवाई जाती है, बिल्कुल VIP वाली फीलिंग आती है। हर जगह अभी यहाँ पे फ़ोटो शूट वीडियो शूट चल रहा है, और उधर कॉन्फ्रेंस चल रही है। ये जो गेस्ट आएंगे उनके लिए कुछ गिफ्ट्स हैं, और सबसे पहले VC मैम के लिए रखा हुआ है। जो हमारा फंक्शन था, जो हमारा प्रोग्राम था, वो ख़त्म हो चुका है, और हमें यहाँ पे सबको डायरीज, पेन और गुलाब के फूल मिले हैं। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम को। यहाँ पे पूरा बिल्कुल स्टॉल लगी हुई थी छोटी छोटी, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था क्या था। तो हम भी बिल्कुल ऐसे ही निकल पड़े बाहर देखने के लिए। फंक्शन ख़त्म हो गया, बट मैम ने ये बोला है कि लंच करके ही जाना है, तो हम भी लंच को मना क्यों करें भाई। तो हम अपने टेबल पे पहुंच चुके हैं, और इन लोगों का अभी फ़ोटो शूट ही चल रहा है। कॉन्फ्रेंस में भी अभी लंच आर हो चुका है, और सभी लोग आ रहे हैं, बहुत ही भीड़ होने वाली है, इसलिए सबसे पहले हम ही जाके वहाँ पे लंच करने लगे। और देखो कितनी सारी वैरायटीज़ हैं, नॉनवेज और वेज दोनों का ऑप्शन था, बट मैं तो वेजिटेरियन हूँ, और मुझे सब देख रहे थे कि हम लोग कौन है इतना खाना खा रहे हैं, बट हमने सोचा ठीक है खाने पे कंसंट्रेट करते हैं। और लंच का एंड किया हमने आइसक्रीम से, देन कन्वेंशन सेंटर को किया बाय बाय, और निकल चुके हैं अपने हॉस्टल की तरफ। ओवरऑल हमें बहुत मज़ा आई, अटेंडेंस का कोई चक्कर नहीं था, अटेंडेंस भी मिल गई और फ्री में इतना सारा खाने को भी मिल गया, सिर्फ हमारा 10 मिनट का काम था, तो क्या ही दिक्कत है। हम पहुंच चुके हैं अपने हॉस्टल, और वहां पे सबसे पहले मेरी आईडी कार्ड को देख के उसका मजाक उड़ाया गया, क्योंकि मैंने पहले की फ़ोटो लगाई हुई थी, और बोल रहे थे कि मैं कितनी गंदी लग रही हूँ, जैसे कि मैं आधार कार्ड में लगती हूँ। और अपने सामान को हमने बांटा सब में, और ये पेड़ और फूल जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। वैसे ये हमारे हॉस्टल के बाहर ही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रिदम, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे अरे रो, अरे रो, अरे रो, अरे रो, अरे रो। और इसको
जिसको हमने सरप्राइज़ किया बेचारी इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई कि रोने ही लगी। तो इतने दिनों के बाद फाइनली हमारी ना तो कोई प्रेजेंटेशन है, ना तो कोई फाइल बनानी है, ना तो कोई काम है, आज तो बिल्कुल चैन से आराम से घोड़े बेच के सोना है। तो वैसे आज का दिन तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा गया। तो इसी सब के साथ आपको बाय बाय एंड गुड नाइट।